एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और 22 अप्रैल से ये यात्रा स्टार्ट हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि कौन कौन से धाम के कपाट कब कब खुल रहे हैं। करीब 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने आप को चारधाम यात्रा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और इस टाइम चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाती रहती हूँ वीडियोस फूड, ट्रैवल, व्लॉग्स और लाइफस्टाइल से रिलेटेड। उत्तराखंड के चार धाम जिसमें से आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको छोटा चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन, जो कि इस साल 22 अप्रैल को खुल रहे हैं, और केदारनाथ के कपाट इस साल 25 अप्रैल की सुबह खुल रहे हैं, और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुल रहे हैं। हमने पिछले साल सितंबर 2022 में अपनी चारधाम यात्रा कंप्लीट की थी और सेपरेटली मैंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में दे दूंगी ताकि आप लोगों को इजी रहे देखने में। उसमें मैंने पूरा बताया है कि आपको कैसे यात्रा स्टार्ट करनी है, आपको यात्रा के लिए कहाँ कहाँ आप ठहर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गूगल पे आपको लिखना होगा चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर डालना है, टूर ऑपरेटर हैं, इंडिविजुअल हैं या फैमिली हैं उस पर टिक करना है और पासवर्ड जनरेट करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको आगे प्रोसीड करना होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे और आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कुछ रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप WhatsApp पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। WhatsApp पे आपको 8394833833 नंबर पर यात्रा टाइप करके भेजना है, उसके बाद आप आगे के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 0135 1364, या आप सिर्फ 1364 पर कॉल करेंगे तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये थे सारे तरीके जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए करा सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 2023 में यात्रा करने की, तो आप इस तरीके से आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होता है यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और देन बद्रीनाथ। इस तरीके से यात्रा स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है। तो मैंने सेपरेटली वीडियो बनाए हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।